कुछ भी नहीं हुआ सारे की को नहीं हुआ क्यों को नहीं हुआ साहब मेरे तो देख लो मैं तो निका हूँ तुम्हारे बेटे के तो 80% फेफड़ा गायब हो गए थे तो फिर भी बोले वो कोई बात नहीं है 90% वाले भी ठीक होते हैं लेकिन हौसला होना चाहिए। राम राम साहब मैं हूँ थारा मित्र मुकेश और थे देख रहे हो झलको सिकर जलको सीकर चैनल है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वहाँ नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। लगातार कोरोना है जिसकी लोगों की मौत होने लग रही है और लोग है जो नकारात्मक भी होने लग रहे हैं। आज मैं थाने एक इसी शख्सियत को मिलान लग रहा हूँ कि जकांगा है जिसका लगभग 80% है जिसको फेफड़ा ख़राब हो गया भी के बावजूद भी वह कोरोना को डट के मुकाबलो करो और अभी जिकी बांगी कोरोना की जाँच है वह कोरोना नेगेटिव आई है। तो अभी आप बाँसों भी बातचीत कराँगा और बांगे परिवार से भी बातचीत कराँगा वो वीडियो बा आदमी खातर है जिसका कोरोना लेगे सीरियस को नहीं या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि कई लोग है जिसका बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तबियत पानी क्या है? ठीक है साहब, आराम एकदम आराम। सबसे पहले आप बात करा कर थरी जी की कोरोना की जाँच है बस सबसे पहले पॉजिटिव कताई पॉजिटिव 12 मई का। अभी जी मतलब तबियत पानी क्या है थारी? अभी फिट है, कोई दिक्कत को नहीं, थोड़ी सांस में प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी खानो पीनो सब कर रहे हूँ। हरे पीरो परिवार के मैंने कितना जना है थारा? मैं 3 भाई हैं। सबसे बड़ोड़ा हो या फिर मिडोड़ा? सर 3 लड़कियाँ हैं मेरे और एक माता जी है। कोई से हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा देर दिखाया हो जब किस हॉस्पिटल थाने ज़्यादा बढ़िया लगे हो? मैंने सीकर है इसके। अच्छा सीकर कल्याण जो को हॉस्पिटल है वो थाने ज़्यादा बढ़िया लगे हो? के कारण से बढ़िया लगे हो थाने? सुविधा अच्छी जी। अच्छा। और सहयोग भी अच्छे से, डॉक्टर की टीम अच्छी है। अच्छा। और डॉक्टर की टीम को सहयोग भी बहुत शानदार हो। अच्छा। और सपोर्ट भी अच्छे, इलाज भी अच्छे, हिम्मत और हौसला सब लड़ा है। तो थाने ये तो हौसलो इतनी हिम्मत देने वाला कौन हो? मैंने डॉक्टर छा, डॉक्टर की टीम, नर्सिंग स्टाफ और मेरा परिवार। अच्छा डॉक्टर को नाम भी याद है थारा? हाँ, राकेश जी दादी से, राकेश जी, बीरबल जी बड़वड़ और एक बराला जी है और नर्सिंग स्टाफ हो। 20-22 दिन तक अलग अलग यूनिट में रखा, सबको तो नाम मेरे याद भी होना। अच्छा कहीं आईसीयू में, कहीं नॉर्मल वार्ड में। अब घर आ गया? कितना दिन हो गया थाने घर आए? 3rd दिन घर आ गया। क्या लग रहे हो? आराम महसूस हो रहा है, रिकवरी का इंतजार में था, मतलब पुनर्जन्म तेरे को। तो आप कैसे कहाँ का एक तेरे यहाँ अपना पुनर्जन्म है? पुनर्जन्म है साहब, कठिनाई बहुत दिन से। अभी आगे जी हाँ तबियत है जी की ठीक है लेकिन थोड़ा सा क्या बोलने में दिक्कत हो है तो आप आन ज़्यादा परेशान कौन कराँगा आगे आगे फैमिली में बातचीत करके देखा। अभी आपने सागे मुकेश जी के माता जी हैं जिसका आपने सागे जुड़ रहे हैं? देखो मैं हूँ ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। तो मेरा बेटा बड़ा है, तीन मेरे बेटा है, एक गोद की बेटी ले रखी है। तो मेरा बेटा के साथ मैं 15 दिन तक नीम का थाना रही और संघर्ष कराया तो एक सीरियस हालत थी। फिर वहाँ 15 दिन तक रहे तो सीरियस और भी हो गई। फिर मैं थोड़ा दिमाग से मैं भी गड़बड़ा गई, हिम्मत खूब रखी फिर मैं दिमाग से बहुत गड़बड़ा गई। फिर मैं तो घर आ गई, अरे इनकी मिसेस है सुमन तो इनके भेजे तो ये 7 दिन तक रही, फिर सुधार आ गया। डॉक्टर ने मेरे को तो बताया नहीं भाई 80% फेफड़ा गायब हो गए। हमारे को तो घर आने के बाद में बड़बड़ जी ने बताए कि इनके तो तुम्हारे बेटे के तो 80% फेफड़ा गायब हो गए थे। तो थोड़ा मैं हमने हिम्मत रखी, बहुत आपको धन्यवाद है। मेरा करुणा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हैं हम हिम्मत रखेंगे तो करुणा के अपने आप बजा देंगे। हैं अब तो मैं तो भगवान को प्रार्थना की कि इनकी बेटी है 3, उनका कन्यों का भाग। अच्छा। और मैं माता जी की टाबर टिकर कितना है? हाँ 3 बेटी है। अच्छा 3 बेटी। हाँ मैं माँ हूँ, 4 साल होगी इनके पिताजी ने गुजरे। अच्छा। तो मेरा तो दिमाग ऐसा गड़बड़ा गया था कि ये बेटा मेरा घर संवार रखा था और ये क्या हो गया। तो देखो ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं ऐसी एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा। और मेरा भी यही काम करते हैं। और आगे जहाँ छोटा 2 भाई फड़ रहे हैं, एक अब बहू नौकरी लगी है सीमोचो में नर्सी की स्टाफ। हाँ और फट रहे हैं, मतलब परिवार को जो को आप कहते हैं जिम्मेदार व्यक्ति यही है? हाँ जिम्मेदार यही है, मेरे तो लेन देन का सब चीज का जिम्मेदार यही है। अच्छछा मतलब कि ये कोरोना पॉजिटिव तो आ जाए नहीं। हाँ। जना कि ये परिवार वाले हाथ कौन लगाओ? ना साहब मैं तो हाथ लगाया नहीं, कहा मेरे बेटे के सब परिवार के, मेरा परिवार नीम का थाना है तो वो दीपक है वो भी 10-15 दिन तक इनके साथ रहा, इनके पैर दबाए इनके साथ रही, मतलब कि साथ में बैठ के साथ में सोती थी 15 दिन तक, कुछ भी नहीं हुआ। सारे क्यों को नहीं हुआ? क्यों को नहीं हुआ साहब मेरे तो देख लो मैं तो निका हूँ। थारी जी हाँ परिवार के मैं जगह सकला की जाँच कराएगी? मैं जाँच कौन कराई, फिर मैं स्वास्थ्य था
अच्छा मतलब कितना जना की जहाँ जांच होगी कोरोना की? मैं तो कोई की कौन करवाई, मेरे तो दो वैक्सीन लगवाई ली। हाँ लगवाई ली, मेरे तो कुछ भी कौन हो रही हो। अच्छा ये सुमन है तो ये भी रही, तो इनके भी कुछ भी नहीं हुआ। और वो भाई है तीन, तो इनके भी नहीं हुआ कुछ भी है। और भी है महेंद्र है, ये भी रखे आए थे तो इनके भी नहीं है। वहाँ बहन है तो ये भी दो चार बार रखे आई थी। ये मेरे धर्म भाई हैं। अच्छा ये मेरी सिस्टर को धर्म की बहन बनाई थी, फिर इन्होंने मैं आया था 1 तारीख को जयपुर से, तो इनको 7 तारीख को बुखार हुआ था। तो सिरोही में मान सिंह डॉक्टर है, तो उनसे ट्रीटमेंट लिए थे इन्होंने 3 दिन, तो इन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम इनको 11 तारीख को हुई थी। तो 11 को इनको हमने नीम का थाना दिखाया, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चला 2-3 दिन। अच्छा फिर हम 17 तारीख को इनको रेफर कर दिया सीकर, तो इनको कोरोना पॉजिटिव हमारे को यहाँ नीम का थाना कर दिया था। अच्छा नीम का थाना करने के बाद में इनको रेफर कर दिया गया कि ज़्यादा ऑक्सीजन में कमी आ गई थी, तो हम ले गए सीकर। सीकर ले जाने के बाद में इनको कम से कम 1 तारीख को आईसीयू में किया था। हाँ। 1 तारीख को इनको आईसीयू में कर दिया था, 5 दिन तक रखा। तो इनको 5 दिन आईसीयू में रखा गया। हमने तो छोड़ दिया था कि डॉक्टर भी हमारे बोल दिया था कि 1% आपका किस्मत का बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और ये एक चमत्कार होगा आपके लिए, 80% डैमेज फेफड़े हो जाना आदमी को बताते ही, वैसे हम खुद ही मर जाता आदमी। अच्छा डॉक्टर मतलब जब बताए स्टार्टिंग में ही बता दियो या फिर बाद में बताया? नहीं बाद में बताया था, आईसीयू में जाने के बाद में हमारे को बताया था, लेडीज को नहीं बताया। अच्छा हमारे को बता दिया था कि 80% डैमेज हो चुके हैं। तो फिर भी बोले वो कोई बात नहीं है, 90% वाले भी ठीक होते हैं, लेकिन हौसला होना चाहिए। तो हमने हिम्मत नहीं आ रही, भाई साहब हिम्मत नहीं आ रही और फैमिली भी हिम्मत नहीं आ रही, तो हमने इलाज कराते रहिए। जो हमारे को ट्रीटमेंट बताया बाहर से भी लिया, सिविल से ट्रीटमेंट लिया, अंदर भी लिया, और डॉक्टरों से भी बात करी, तो सभी बताया कि ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, कहीं रेफर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रखो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उन्होंने हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट दिया वहाँ। और सबसे ज़्यादा ये है कि आज हमारे साथ हैं, कि कोरोना इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, इतनी सोचना ही नहीं कि हम छोटी बीमारी है, बहुत बड़ी है, लेकिन आदमी को हिम्मत होनी चाहिए कि मैं इसे लड़ सकता हूँ, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये भाभी जी हैं, इन्होंने इनके साथ कंटिन्यू रही, ये माता जी हैं ये भी साथ रही, और बीच बीच में हम गए, वीडियो कॉलिंग भी की, सबको हौसला दिया, इन्होंने भी हमारे को दिया कि मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ पर कितना खर्चा आ गया? अब दवाइयाँ पर तो देखो मन या तो मालूम को नहीं, भाई चल दो 1 लाख रुपया बाजौर साहब की सेवा से, हॉस्पिटल की सेवा से, बड़बड़ जी आप बड़बड़ जी ने सेवा, बीरबल जी बड़बड़ जी ने ना वो पूरा पूरा सहयोग किया आपने, और हमारे को भी 2 लाख रुपये लगा दिए। आ कवरेज थाना किसी की लगी इनके ऊपर थारा विचार है जगह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करोगा। जय सिक्कर जय राजस्थान।